किंग्स इलेवन पंजाब के इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन से बाहर होने के बाद भी उसके कप्तान लोकेश राहुल लीग के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सबसे आगे हैं और इसीलिए ऑरेंज कैप उन्हीं के पास है। राहुल के नाम कुल 670 रन हैं। वहीं दूसरे स्थान पर क्वालिफायर 2 में जगह बना चुके सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर हैं। वार्नर ने अभी तक 546 रन बनाए हैं। तीसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन है जिनके नाम 525 रन हैं। दिल्ली और हैदराबाद आज क्वालिफायर 2 में आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में मौजूद विजेता मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी। पर्पल कैप की रेस में मुंबई के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सबसे आगे हैं। उनके नाम 27 विकेट हैं। उनके पीछे दिल्ली के कगिसो रबाड़ा हैं। रबाड़ा के नाम 25 विकेट शामिल हैं। तीसरे नंबर पर 22 विकेट लेने वाले मुंबई इंडियंस के ही ट्रेट बोल्ड हैं। एलिमिनेटर मुकाबले में हैदराबाद से हारने के बाद बेंगलुरु के कुछ खिलाड़ियों का शानदार सीजन खत्म हो गया। लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने 21 विकेटों के साथ लीग का अंत किया और वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की सूची में चौथे स्थान पर रहे। देवदत्त पडिकल ने 473 रन बनाए और बल्लेबाजों की सूची में छठे स्थान पर रहते हुए लीग का समापन किया। यह पडिकल का पहला आईपीएल था। सातवें स्थान पर बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली हैं जिन्होंने 466 रनों के साथ लीग का अंत किया।